गाइस यहां पर एक शब्द है चलाना, जिसका अंग्रेजी होता है ड्राइव। क्या होता है? ड्राइव होता है। मैं भी जानता हूं, आप सभी भी जानते हैं। तब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें चलाना तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें क्या नया है। नया है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि चलाना का अंग्रेजी ड्राइव होता है। अगर हमको ऐसा सेंटेंस बोलना होगा कि घर चलाना, मेरी माँ घर चलाती, यानी कि घर चलाना, ठीक है, तो घर चलाना का अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे? ड्राइव हाउस बोलेंगे, नहीं ना? ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है दुकान चलाना, ड्राइव शॉप बोलिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है मोबाइल चलाना, ड्राइव मोबाइल नहीं होगा। फिर है दिमाग चलाना, तो क्या ये सब ड्राइव का यूज करके हम अंग्रेजी सेंटेंसेस बना सकते हैं? नहीं। मानते हैं कि चलाना का अंग्रेजी ड्राइव होता है, लेकिन चलाना का अंग्रेजी जब हिंदी में जब आता है ना, तो तरह तरह के इसका सेंस निकलता है। तो हर जगह इसका अंग्रेजी क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही फुल डिस्कस करेंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे कि चलाना का अंग्रेजी किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका जब भी मतलब मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए तो फ्रेंड यहाँ हम लोग फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट मेरा है बिजनेस चलाना। बिजनेस चलाना मतलब जो व्यवसाय के रूप में चलाना, दुकान चला, होटल चलाना, कोचिंग चलाना, स्कूल चलाना, ठीक है, या मान लीजिए कोई व्यापार चलाना, जो भी होता है। तो यानी कि बिजनेस चलाना के सेंस में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए रन लगेगा, ठीक है। यानी कि बिजनेस चलाना, बिजनेस चलाना, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको चलाना के सेंस में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? रन। जैसे मैं फर्स्ट है, मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मैं एक दुकान चला रहा हूं, इसको क्या बनाएंगे? आई एम रनिंग अ शॉप, आई एम रनिंग अ शॉप। नेक्स्ट है वह एक स्कूल चला रहा है, वह एक स्कूल चला रहा है, तो क्या आ जाएगा? ही इज रनिंग अ स्कूल। नेक्स्ट है आप एक होटल चला रहे हैं, यू आर रनिंग अ होटल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर चलाना के सेंस में कोई बिजनेस को डिनोट किया जाएगा, बिजनेस के सिलसिले में बात की जाएगी, तो वहां पर चलाना का जो अंग्रेजी होगा वो क्या होगा? रन होगा। नेक्स्ट हमारा है जो सेकंड नंबर है वो है गाना चलाना। यहां पर है फ्रेंड कि गाना चलाना, ठीक है। तो गाना चलाना, हाँ भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग चला दो, बजा दो, सुना दो, ठीक है। तो चलाना का सेंस में आएगा कौन चीज? गाना, ठीक है। तो यहां पर जो चलाना का ड्राइव बोलेगा, ड्राइव सॉन्ग नहीं, ड्राइव सॉन्ग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्ले हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्ले बोलेंगे। जैसे वह पुराने गाना चला रहा है, वह पुराने गाने चला रहा है, ही इज प्लेइंग ओल्ड सॉन्ग। नेक्स्ट है क्या आप मेरा पसंदीदा गाना चला सकते हैं? क्या आप मेरा पसंदीदा गाना चला सकते हैं? तो क्या है? कैन यू प्ले माई फेवरेट सॉन्ग, कैन यू प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। तो आप देख सकते हैं चलाना के मतलब हम दो देखे हैं, एक हुआ बिजनेस चलाना, एक हुआ गाना चलाना। बिजनेस चलाना क्या होता है? रन होता है, लेकिन गाना चलाना क्या होता है? प्ले होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है वीडियो चलाना, ठीक है, वीडियो चलाना। तो आप देखिए वीडियो चलाना का अंग्रेजी क्या होगा? स्ट्रीम। वैसे आप अभी जस्ट हम बताए हैं गाना चलाना का प्ले बताए थे, तो यहाँ पर भी वीडियो चलाना का भी आप प्ले बोल सकते हैं, लेकिन एक लेटेस्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, स्ट्रीम, ठीक है। ये नया है, लेटेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जब आप इसे यूज कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यानी कि वीडियो चलाना स्ट्रीम, हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम यूज करेंगे। जैसे मैं नागेंद्र सर की वीडियो चला रहा हूं, तो इसका कैसे बनाएंगे? आई एम स्ट्रीमिंग नागेंद्र सर वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है वह पुराने वीडियो चला रहा है, ही इज स्ट्रीमिंग ओल्ड वीडियोज, ही इज स्ट्रीमिंग ओल्ड वीडियोज। फिर है नेक्स्ट हमारा है बिजली का सामान चलाना। ऐसी
वस्तु जो बिजनेस से संबंधित हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसे चलाना होगा। तब उस वहाँ चलाना का मतलब क्या निकलेगा, जैसे पंखा चलाना, मोटर चलाना, फ्रिज चलाना, कूलर चलाना, ठीक है, एसी चलाना। तो इस तरह से काफ़ी जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उनको हम चलाना का अंग्रेजी क्या यूज करेंगे। तो यहां पर है गाइस, यहां पर देख सकते हैं स्विच ऑन बोल सकते हैं या टर्न ऑन बोल सकते हैं, दोनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे टीवी चला दो तो बोलेंगे स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं टर्न ऑन द टीवी, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एसी चला दो, एसी चला दो, भाई बहुत गर्मी लग रही है एसी चला दो, तो यहां पर जो है स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द एसी, या फिर टर्न ऑन द एसी। तो आप देख सकते हैं बिजली का सामान चलाना होगा तो स्विच ऑन लगा सकते हैं या टर्न ऑन लगा सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो चलाना होगा, वीडियो चलाने की बात की जाएगी तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड यहां नेक्स्ट वाला है बाइक चलाना, बाइक चलाना, बाइक चलाना का होता है राइड, हम क्या बोलेंगे राइड, ड्राइव नहीं बोलेंगे, ठीक ना। ड्राइव जो होता है जो फोर व्हीलर होते हैं उनको ड्राइव होता है, बाइक का ड्राइव हम नहीं बोल सकते हैं, बल्कि क्या बोलेंगे हम राइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग द बाइक, ठीक है, वह साइकिल चला रहा है, ही इज राइडिंग द साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाइक चलाना जो होता है या साइकिल चलाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइड बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, घर चलाना, बहुत अच्छी बात है घर चलाना, ठीक है फ्रेंड, घर चलाना, ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मी घर चलाती है, मेरे पापा घर चलाते हैं, मेरी दादी घर चलाती है, ऐसा बोलते हैं ना, या तुम्हारा आपका आपको सुनने को मिलता होगा चलाना ना घर कैसे चलाते हो, तुम घर लो तुम ही चला कर देखो, इस तरह से मतलब हम अक्सर लोगों को सुनने को मिलता है, ठीक है। तो घर चलाना, तो घर चलाना के बोलेंगे कीप द हाउस, घर चलाना के बोलेंगे कीप द हाउस। जैसे मेरी मम्मी घर चलाती है, माय मदर कीप्स द हाउस, अब कीप में यहां एस लगा हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि माय मदर कीप्स द हाउस, तुम घर चला रहे हो तो क्या बनेगा, यू आर कीपिंग द हाउस। फिर है वह घर चलाएगी, सी विल कीप द हाउस। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है बाइक चलाना के राइड और घर चलाना के कीप द हाउस, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए और साथ में इसको भी ध्यान से देख लीजिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे खर्चा चलाना, ठीक है, खर्चा चलाना। तो खर्चा चलाना का होता है बियर द एक्सपेंस, क्या बोलेंगे, खर्चा चलाना का बियर द एक्सपेंस, ठीक है। जैसे मैं खर्चा चला रहा हूँ भाई, तंग आ गया हूँ भाई, हमेशा मैं ही खर्चा चला रहा हूँ, ठीक है। यानी कैसे अगर हमको बोलना होगा कि मैं खर्चा चला रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम बियरिंग द एक्सपेंस, आई एम बियरिंग द एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है अब तुम खर्चा चलाओगे, भाई बहुत हो गया, अब खर्चा तुम चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा बोलना होगा कि अब तुम खर्चा चलाओगे, यानी क्या बोलेंगे, यू विल बियर द एक्सपेंसेस नाउ, यानी कि हम देख रहे हैं खर्चा चलाना क्या होता है, क्या होता है, बियर द एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वाला है दिमाग चलाना, ठीक है, दिमाग चलाना, भाई तुम दिमाग चलाते नहीं हो, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं कर, मतलब क्या हुआ दिमाग चलाना, क्या मतलब कि बुद्धि से काम लेना, ठीक है। तो दिमाग चलाना, दिमाग चलाना का होता है यूज द माइंड। अब यहाँ पे ड्राइव ब्रेन लिखिएगा, ड्राइव माइंड लिखिएगा, नहीं 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 ड्राइव नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यूज द माइंड, यानी कि बुद्धि से काम लेना, बोले तो दिमाग चलाना, ठीक है। जैसे तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए, तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए, क्या बनाएंगे हम लोग, यू शुड यूज योर माइंड। नेक्स्ट है तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए था, भाई तुम हमेशा गलती करते हो, उस समय तुमको दिमाग अपना चलाना चाहिए था, ऐसा हम लोग बराबर किसी ना किसी को बोलते हैं। तो अगर हमको ऐसा बोलना होगा कि तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए था, ठीक है, तो यहां बोलेंगे यू शुड हैव यूज्ड योर माइंड। अब आप देखिएगा था थी यानी कि पास्ट में आ गया, इसलिए हैव लग गया, हैव के लिए यूज के साथ या भीतरी लग गया, यानी कि यूज, ठीक है। तो यू शुड हैव यूज्ड योर माइंड। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट वाला है आप देख सकते हैं हल चलाना, फिर देखिए चलाना किस में का आया, हल चलाना। आप देखे होंगे खेत में किसान हल चलाता है ना, तो क्या वहां ड्राइव बोलेंगे, नहीं ना, हल चलाना। तो हल चलाना का अंग्रेजी होता है प्लाव, क्या बोलते हैं, प्लाव, पुलाव नहीं,
प्लाउ, ठीक है। जैसे किसान खेत में हल चला रहा है, इसका बनेगा द फार्मर इज प्लाइंग इन द फील्ड, हो गया। नेक्स्ट है वह खेत जोत रहा है। तो देखिए हल चलाना या जोतना बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर है वह खेत जोत रहा है, तो क्या बनेंगे इसका, ही इज प्लाइंग द फील्ड, ठीक है। तो हल चलाना या जोतना दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसको हम बोलेंगे प्लाउ, ठीक है। तो यानी कि यहां बोलेंगे प्लाउंग, यहां भी देखिए प्लाउंग। फिर है नेक्स्ट है हमारा मोबाइल चलाना। हाँ भाई, आप लोग बहुत मोबाइल चलाते हैं ना, पबजी खेलते हैं, गेमिंग करते हैं तो यहां पर जो है मोबाइल चलाना, ठीक है फ्रेंड। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, तो चलाना क्या चलाना, मोबाइल चलाना। तो मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाना का हम यहाँ प्रयोग में लाएंगे यूज मोबाइल, यूज द मोबाइल, क्या बोलेंगे, यूज द मोबाइल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, इसका बनेगा आई एम यूजिंग द मोबाइल, आई एम यूजिंग द मोबाइल। नेक्स्ट है तीस तरह से जो है कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, वह मोबाइल चला रहा है, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं मोबाइल चलाऊंगा, तो यानी कि उसका क्या बोलेंगे हम लोग मोबाइल चलाना के, यूज द मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट वाला है काम चलाना, ये देख के बहुत बेहतरीन है। हाँ भाई हाँ, मैं इतना में काम चला लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं? हाँ थोड़े पैसे हैं, आपको दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं काम चला लूंगा। यानी कि काम चलाना, क्या जी, काम चलाना। तो काम चलाना का अंग्रेजी क्या होगा, मेक डू, इसको हम क्या यूज करेंगे, मेक डू, ठीक है। जैसे मैं पुराने मोबाइल से काम चला लूंगा, जैसे बोल होता है ना, कह रहे यार ये मोबाइल कब से यूज कर रहे हो, नया मोबाइल लो बढ़िया अच्छा वाला, ठीक है। तो आप बोले कि नहीं नहीं भाई, मैं पुराने वाले मोबाइल से ही काम चला लूंगा, मेरा काम निकल जा रहा है। तो यानी कि मैं पुराने मोबाइल से काम चला लूंगा, तो क्या बनेंगे, आई विल मेक डू विथ ओल्ड मोबाइल, ठीक है, आई विल मेक डू विथ ओल्ड मोबाइल, ठीक है। या इस तरह से बोलते हैं कि मैं काम चला लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं काम चला लूंगा। जगह जितना बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, आई विल मेक डू, आई विल मेक डू। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं जो चलाना से संबंधित बहुत सारे हम लोग सेंटेंसेस देखे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है हमने तरह तरह का चलाना का सेंस में सेंटेंसेस देखे, तो यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस है, ये जो सेंटेंसेस है ये आपको ट्रांसलेट करने हैं अंग्रेजी में कि आप कैसे कीजिएगा, और इसको ट्रांसलेट करके और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।